अच्छे स्वास्थ्य को हम खरीद तो नहीं सकते, पर यह एक बहुत ही मूल्यवान बचत खाता हो सकता है। नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम आरोग्य में। और बहुत सारी बातें करने के लिए आयुर्वेद के बारे में हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और वैद्य जी, जैसा कि हम अपने प्रोग्राम में आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं आयुर्वेद के बारे में, आपसे जानते हैं किस तरह से आयुर्वेद एक वरदान है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, तो उसी तरह आपके भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो आयुर्वेद को एक वरदान मानते हैं। आपके कौन से पेशेंट से हमारी टीम ने बात की, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी बलवंत सिंह जी, मैं बलवंत सिंह यूपी आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ जी। हमारी बुआ की सास को कैंसर हो रखा था, जिनकी उम्र 100 के आसपास है। तो जी बनारस में BHU में दिखाया था जी, सारे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए जी, इनके बस इनकी उम्मीद अब नहीं है। और तो हमारे साथ के जी दिल्ली में रहने वाले थे, तो उन्होंने जी बताया जी दीपक बैद जी के पास चले जाइए, जो कनखर रोड हरिद्वार में रहते हैं जी। जी हम बैद जी के पास आए, बैद जी भी बताया जी गुंजाइश तो बहुत कम है, लेकिन बैद जी बोले कि ठीक है दवा में करता हूँ। दवा किया तो बैद जी की दवा से जी बहुत आराम मिला उनको, और बैद जी की दवा से जो आज बुआ की सास जो बिस्तर पर पड़ी रहती थी, आज बुआ की सास जी उठकर तो अपना काम सारा सब कुछ कर रही हैं। बैद जी का जी धन्यवाद, बैद जी जी ऐसी जी तरक्की करते रहें और गरीबों का जी सेवा करते रहें। बलवंत सिंह जी आजमगढ़ से, इनके रिलेशन में किसी को बहुत ही गंदी और खतरनाक बीमारी कैंसर, जिसका नाम सुनते ही हमारी रूह कांप जाती है, वो था। और यहाँ तक कि सुनने में आया है कि डॉक्टर्स ने इन्हें अल्टीमेटम दे दिया था कि शायद ये ना बच पाए। तो जब आपके पास आए, क्या कंडीशन थी उनकी और क्या ट्रीटमेंट इन्हें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से मिला कि आज ये स्वस्थ है? ऋचा जी, वात पित्त कफ रक्त ते मांस मेद ते जानी, ग्रंथि षट प्रकार की अवर्ध प्रकटयानी। वात पित्त कफ मेद के अवर्ध लक्षण जेहे, सारे ग्रंथि रोग में लक्षण जान होते हैं। 6 प्रकार का मुख्यतः कैंसर है, वात पित्त कफ रक्त मांस और मेद। और ये बीमारी एक ऐसी है जो तन से, मन से और धन से बहुत बुरी तरह तोड़ती है। आज के समय में हम कितने भी सात्विक क्यों ना हो, लेकिन हमारा खाना पीना इतना दूषित हो गया कि लगभग हमारे देश के अधिकतर लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं, और बॉडी के अंदर कई बार अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है जिसके कारण यह बीमारी बनती है। इस बीमारी में आदमी सब कुछ लुटाने के बाद भी अक्सर कुछ नहीं पाता, और जब ये मेरे पास आए इनकी स्थिति बहुत खराब थी। और इस बीमारी में मैं पहले भी कई बार कहा, कुछ धातु प्रधान है, उनमें से एक स्वर्ण और दूसरा हीरक। इस बीमारी में अगर ये दोनों दवाएं बिल्कुल सही बनी हो तो निश्चित रूप से अपना असर एक बार को तो बिल्कुल दिखाती है। जिस प्रकार देवताओं का राजा इंद्र अपने मुख्य हथियार वज्र से राक्षसों का संहार करता है, उसी प्रकार वज्र यानी के हीरा, हीरे की भस्म कर्कटाबुद्र यानी के कैंसर का संहार करती है। मैंने इनको स्वर्ण भस्म और हीरक भस्म, दोनों इस बीमारी की मुख्यतः दवाई हैं। और तीसरी एक दवा है गुर्च गिलोय सत्व, गिलोय जिसको अमृता भी कहा। कुछ बीमारी ऐसी है जो किसी दवाई से ठीक नहीं होती, लेकिन छोटी सी गिलोय से उसको बहुत लाभ मिलता है। और कुछ फार्मेसियाँ गिलोय का सत्व मिलावटी भी बेचती हैं, लेकिन कुछ फार्मेसी इसको बहुत अच्छा बिल्कुल सात्विक बेचती हैं। गिलोय का सत्व एक ऐसा सत्व है जो एक क्विंटल यदि हम गिलोय लें, उसको कूटें, पानी में भिगोएं, रगड़ें और उसको 2 दिन बाद निथार लें, और धीरे धीरे उस पानी को हटाएं, नीचे से जो हमको सत्व मिलेगा उसको कहते हैं गिलोय सत्व। 1 क्विंटल 100 किलो में से ये मुश्किल से मुश्किल 700, 800, 900 ग्राम तक मिलता है। और आप ये देख लो, दवा तो बहुत सस्ती है लेकिन ये मिलती बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में हमको प्राप्त होती है।
और असली गिलोय सत्य यदि आप खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी बीमारी का क्षरण ना हो। मैंने इनको ये तीनों दवा स्वर्ण हीरक भस्म सह गुर्च सत्व अनुपान अबुर्द ग्रंथि नष्ट हो वैद्यों का आख्यान, इनको मैंने ये चीजें शहद के साथ सेवन कराई। साथ में कुछ दवा है जो हमारी अनवांटेड ग्रोथ को रोकती है, एक कांचनार, कांचनार को गुल, और दूसरी वृद्धिवादी का वटी, और तीसरा एक हम दवा बनाते हैं, एक दवा है नाय बूटी, इसको बोलते हैं महामज्जक के नाम से इसका वर्णन है। अधिकतर ये तमिलनाडु में जो जगह है वेल्लोर वहाँ के जंगलों में पाई जाती है, वहाँ से हम इसको मंगाते भी हैं, और हमने अनुसंधान करके हम काफ़ी लोगों को इसको प्रयोग में दिया और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको प्राप्त भी हुआ। हम इसको प्रयोग में देते हैं, और कांचनार वृद्धिवादिका के साथ साथ नीम घन और गिलोय घन, इनको मैंने साथ में सेवन कराई। भगवान के आशीर्वाद से जो इनको दिक्कतें थी, खास तौर से जो उल्टियाँ आती थी, बुखार रहता था, शरीर बहुत क्रश हो गया था, इनकी बीमारी बढ़ रही थी, उसमें रुकावट आई और अब इनको भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी लाभ प्राप्त। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। वैद्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो भी आपने औषधियाँ जो आयुर्वेद में या आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में अवेलेबल हैं कैंसर की, जो आपने इन्हें रिकमेंड की थी, कैंसर भी कई तरह का होता है, किसी को थ्रॉट कैंसर होता है, किसी को किडनी, किसी को लीवर, तो हर कैंसर की अलग अलग जो औषधियाँ उपलब्ध होती हैं या फिर एक ही औषधि हर कैंसर पे, हर कैंसर पेशेंट पे ट्राई की जाती है या दी जाती है उन्हें? ऋचा जी, अभी मैंने आपको बताया कैंसर मुख्यतः 6 प्रकार का है, वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस और मेद। यदि हमारे गले में हुआ हो या पैर में हुआ हो या पेट में हुआ हो, सिम्टम्स तो वही हैं, बीमारी वही है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है, ये अनवांटेड ग्रोथ है। सबसे पहले हमको इस ग्रोथ को रोकना, दूसरा हम जिस हमारे शरीर के अंदर जिस पार्ट में उसकी दिक्कत बड़ी है उस पार्ट का और अलग से ट्रीटमेंट करना। ब्लड कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, थ्रोट में है तो उसका कैंसर उसकी ट्रीटमेंट अलग है। तो ऐसा नहीं कि एक दवाई सब रोगों में काम करे, लेकिन हर प्रकार के कैंसर में जो ये मैंने दवाई बताई है ये मुख्यतः काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, और दर्शकों से बस इतना कहना चाहूँगी कि जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं, और अगर आप आने में असमर्थ हैं, वैद्य जी से मिलने में असमर्थ हैं, तो इन फ़ोन नंबर्स पर आप बात करके उनसे सोल्यूशन ले सकते हैं। आपको दवाइयाँ कुरियर भी कर दी जाएंगी, और आप अपनी रिपोर्ट्स जो हैं, अगर आपने कोई भी टेस्ट कराया है और किसी और जगह से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको नहीं उससे आराम मिल पा रहा है, तो आप अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं वैद्य जी को, और अपने सवाल भी आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। वैद्य जी, जैसा कि हमारे दर्शक जो हैं वो जानते हैं कि हमारे सारे एपिसोड यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो वो अपने सवाल हमें यूट्यूब के जरिए भी भेजते हैं। कुछ सवाल आए हैं हमारे पास, तो पहला सवाल यहाँ पर है राजीव सेंगर जी का, वो कह रहे हैं कि उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, कुछ उपाय बताएं, काफ़ी ट्रीटमेंट वो कर चुके हैं लेकिन बहुत परेशान हैं। ऋचा जी, प्रोस्टेट साइज इन्होंने नहीं लिखा, दूसरा एक प्रोस्टेट का टेस्ट है PSA, इसको जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रोस्टेट बढ़ने से दिक्कत नहीं होती लेकिन यदि PSA बढ़ने लगे तो प्रोस्टेट कैंसर के चांस बनते हैं। इसमें बहुत अच्छा होगा कि ये शिलाजीत वटी और उसके साथ गोक्षुर आदि गुग्गुल या गोक्षुर घन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, और साथ में मैंने अभी बताया था कि किसी ग्रोथ जो अनवांटेड ग्रोथ हो, चाहे वो हमारी ग्लैंड्स की हो या किसी भी प्रकार की हो, उसके लिए कांचनार गुग्गुल और वृद्धिवादिका वटी, इसका दो दो गोली ये प्रयोग करें। अक्सर प्रोस्टेट बढ़ने में क्या होता है कि हमारी पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो पाती, जिसके कारण हमको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, और कई बार जो पेशाब की थैली में पेशाब रह जाता है वह इन्फेक्शन पैदा कर देता है। वैसे तो छोटा मोटा इन्फेक्शन शिलाजीत वटी से और गोक्षुरघन से दूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी यदि पेशाब खुल के ना आता हो तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि ये 10 ग्राम श्वेत प्रपटी ले लें और उसकी 15 खुराक बना लें, सुबह शाम दिन में दो बार एक एक खुराक पानी के साथ लें, इनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।
पुनर्नवा, कुटकी, चिरायता, भुइयां आंवला, त्रिफला इत्यादि से घनसत्व से हम एक दवा बनाते हैं, मेदनाशक गोधन वटी। ये भी चाहे ट्यूमर सेल्स डेवलप हो रहे हो, कैंसर सेल डेवलप हो रहे हो, या कोई इस प्रकार की अनवांटेड ग्रोथ हो, उसमें भी अपना चमत्कार दिखाती है, बहुत अच्छा होगा। साथ में आप इसकी दो दो गोली और ले लें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। शुक्रिया वैद्य जी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो दर्शकों आप भी हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी दवा, कोई भी औषधि के बारे में कुछ भी जानना है जो आयुर्वेद से जुड़ी है, इन नंबर्स पे अभी कॉल करें वैद्य जी से डायरेक्ट बातचीत करने के लिए। और आप इन्हीं नंबर्स पे वैद्य जी से अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। अगर आप आरोग्य से जुड़े रहना चाहते हैं तो मत भूलिएगा हमें सब्सक्राइब करना यूट्यूब पर, और आप उसके लिए टाइप कर सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक। लेकिन अगर आप डेली ऐसी टिप जानना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं घरेलू भी है और आपको निरोगी रखेगी, तो आप फेसबुक पेज ज्वाइन जरूर कीजिए वैद्य जी का, जो है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। इसके अलावा आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप, ईमेल या फिर यूट्यूब के जरिए भी भेज सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।